नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। आज प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो है जम्मू बंद की कॉल दी गई थी सीसीआई द्वारा, जिसमें देख सकते हैं आप कि पहले भी हमने स्टोरी की थी और आपको बताया था रघुनाथ बाजार में जो दुकानें हैं वो तकरीबन बंद थी, और जहां पर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सीसीआई द्वारा कॉल बंद की, जम्मू बंद की बात की गई थी, वहीं पर व्यापारी जो हैं उन्होंने पूरी तरह से इसे समर्थन किया था। इस समय हम हैं गांधीनगर में। गांधीनगर में पहले तो यहाँ पर जो मार्केट थी पूरी तरह से खुली हुई थी, और अब कुछ ही देर पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर गांधीनगर को बंद करवाया। और आप देख सकते हैं कि अब जो गांधीनगर में जो यहाँ पर दुकानें हैं वो काफ़ी हद तक बंद करवा दी गई हैं। एक रिक्वेस्ट सीसीआई के मेंबर्स द्वारा की गई यहाँ पर कि जो दुकानें हैं आज प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, जहाँ पर लोग पूरी तरह से इसको समर्थन कर रहे हैं, गांधीनगर वालों को भी इस बात के लिए कहा गया कि जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बाकी लोग भी समर्थन कर रहे हैं, आप भी इसका समर्थन दें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दुकानें तो काफ़ी हद तक बंद करवा दी गई हैं। सिक्योरिटी भी यहाँ पर काफ़ी टाइटन कर दी गई है कि कुछ भी ऐसा यहाँ पर कुछ ना हो। जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर देखा जा रहा है कि हर कोई जो इस समय प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर विरोध कर रहा है, चाहे वो व्यापारी है चाहे वो आम जनता है, हर कोई प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर विरोध कर रहा है। आप सुबह जब हमने रघुनाथ बाजार में देखा था, रघुनाथ बाजार पूरी तरह से बंद था, सिर्फ इक्का दुक्का दुकानें यहाँ पर खुली हुई थी रघुनाथ बाजार में। चाहे सिर्फ रघुनाथ बाजार ही नहीं, पूरे शहर की अगर हम बात करें सिटी साइड की, तो सिटी साइड में चाहे लिंक रोड है, पुरानी मंडी है, कनक मंडी है, हर जगह जो है जम्मू बंद कॉल का समर्थन किया गया था। वहीं यहाँ गांधीनगर में दुकानें खुली हुई थी, और अभी कुछ ही समय पहले सीसीआई मेंबर्स रघुनाथ बाजार सीसीआई मेंबर्स इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू बंद आज कॉल दी गई है, आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल जी, हम लोग तो चैम्बर के बैनर के तले उन्हीं के मेंबर हैं, जैसा हमें चैम्बर बोलेगा, और हम लोग भी इसी स्पोर्ट में है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो हम लोगों पे लागू किया जा रहा है, पहले इससे पहले एक बेटर होता कि मार्केट एसोसिएशन के साथ, हम लोगों के साथ, नुमाइंदों के साथ एक बातचीत की जाती। बट जैसा कि अमूमन देखने को आ रहा है कि इस गवर्नमेंट में एक ही चीज़ है कि जगदम्ब ये चीज़ हम लोगों पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, हम लोगों पे थोपी जाती है ये चीज़, तो वैसा नहीं होना चाहिए। बट अभी अगर हम चैम्बर ने हमें कॉल दी है तो हम लोग उनके सपोर्ट में हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन आपसे दुकानें खुलवाने की कोशिश कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी आपने दुकानें खोली हुई थी और अभी सीसीआई के मेंबर्स यहां पर आए हैं, उन्होंने आपको कहा कि दुकानें बंद कर दी जाए क्योंकि जम्मू बंद की आज कॉल दी गई है? जी बिल्कुल, चैम्बर ने हमसे एक रिक्वेस्ट की है कि आप मार्केट बंद कर दी, हमने अपनी मर्जी से मार्केट बंद कर दी। आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि आज जम्मू बंद की कॉल है? नहीं, डेफिनेटली हमें पता था, बट क्या हो गया कि जैसे मार्केट में अमूमन होता है एक दुकान खुली है दूसरा उसको देख के खोल लेता है, उसी हिसाब से पूरी मार्केट खुल गई। अभी चैम्बर के मेंबर्स ने आए, उन्होंने रिक्वेस्ट की तो हम लोगों ने अपनी मर्जी से बंद कर दिया। आपसे जाना चाहेंगे, आपका नाम? अश्विनी। अभी यही मार्केट में? हाँ, यही पे। आज जम्मू बंद के लिए कॉल दी गई है, तो क्या लगता है आप कितना समर्थन करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आज जो जम्मू बंद की कॉल दी गई है? जम्मू बंद कॉल की कॉल को तो समर्थन करते हैं, पर प्रॉपर्टी टैक्स के लिए समर्थन नहीं करेंगे, उसके तो अगेंस्ट ही चलेंगे हम भी। ठीक है, गवर्नमेंट को पहले इतला करना चाहिए कि हम सबको कॉन्फिडेंस में लेके हमारी जो हर तरह की एसोसिएशन को साथ बिठा के उनके डिस्कस करके फिर बताना चाहिए कि हाँ जी भैया ये कॉल लागू हो रहा है। ठीक है, हमारे मेंबर भी उनसे मिले या नहीं मिले ये तो हमें मुझे मालूम नहीं है, मिलने के बाद ही पता चलता है कि वो मिले क्या डिसीजन लिया। सिर्फ कल इन्होंने कॉल दी है रात को खोला कि हाँ जी कल पूरा जम्मू बंद रहेगा, इसके अगेंस्ट में ट्रांसपोर्ट वाले उन्होंने भी पीछे हो गए सारे अलग अलग, वेयर पूरा खुला हुआ है, नानक नगर सारा खुला हुआ है। लेकिन ट्रांसपोर्ट वालों का तो ये कहना है कि बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं जिसके कारण वो इस बार समर्थन नहीं दे पा रहे। नहीं, वो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो समर्थन ऐसा बनता भी नहीं है, बच्चों के एग्जाम चल, पहले बच्चों को देखना होता सारा, इनकी एजुकेशन सबसे पहले है। कुछ दुकानों का भी सीजन चल रहा है, किसी के नहीं चल रहा है, वैसे रोड हमारा ऑलरेडी डिस्टर्ब सारा चल रहा है जितना भी है। ठीक है, एक दिन और बंद हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जो पहली अप्रैल से लागू होने जा रहा है? देखो उसके तो अगेंस्ट ही है,
प्रॉपर्टी आगे इतने टैक्स थोपे हुए हैं, एक और टैक्स आ गया, हर चीज का टैक्स है, खाने पे टैक्स लगाने पे। हम लोग उसके अगेंस्ट नहीं है, हमें भी पता है कि जो चीज पूरे इंडिया में लागू है वो जम्मू कश्मीर में लागू होगी, क्योंकि अब 370 नहीं रहा, वो चीज यहाँ इम्प्लीमेंट होगी। बट बेटर होता कि गवर्नमेंट हमारे नुमाइंदों के साथ, हमारे चैम्बर के साथ, हमारे लोगों के साथ पहले एक डिस्कशन करता, ताकि एक हमें भी फेथ में लेता। हम लोग भी एक व्यापारी हैं मैम, हमारे टैक्स से सब कुछ चलता है, हम लोग भी एक पूरा दिन 10 से 10 बजे तक मेहनत करते हैं, तो जाके हम लोग अपना टैक्स वगैरह भरते हैं। हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आती, ना हमें कभी बैंक छोड़ता है, ना कोई छोड़ता है, कुछ नहीं छोड़ता। बट बेटर होता ना कि हम लोगों के साथ एक डिस्कशन होती, जगदम हमारे पे आज सुबह उठो पेपर उठाओ, आज ये चीज इम्प्लीमेंट है, ये चीज इम्प्लीमेंट, ये गलत है। एक तरफ बिजली का जो बिल्स है उसमें भी इजाफा किया गया है, टोल टैक्स है वो भी बढ़ाए जा रहे हैं, बिल्कुल सुनने में आ रहा है कि ऐसा हो रहा है। लेट अस सी कि क्या होता है, देखते हैं उसके बारे में आगे क्या कॉल आती है, तो उसी हिसाब से चलेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो व्यापारी है इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर गवर्नमेंट कुछ भी ऐसे टैक्सेस या कुछ भी ऐसे रूल्स इम्प्लीमेंट करती है, लॉ इम्प्लीमेंट करती है, तो एटलीस्ट जो एसोसिएशन है या व्यापारी वर्ग हैं उनको बिठा कर या उनसे उनसे एक बार जरूर बातचीत करें। सुबह उठ के न्यूज़पेपर देखते हैं तो फिर इन्हें पता चलता है कि आज जो है एक नया रूल इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं गांधीनगर में दुकानें खुली थी, जिसको लेकर सीसीआई के मेंबर्स यहां पर आए, उन्होंने यहां पर इनसे व्यापारियों से रिक्वेस्ट की कि आज जम्मू बंद है और जो है यहां पर दुकानें बंद की जाए। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो जम्मू बंद कॉल की बात की गई थी उसका समर्थन करें, और व्यापारियों ने भी पूरी तरह से समर्थन दिया सीसीआई के मेंबर्स के साथ और अपनी दुकानें जो हैं आज बंद कर दी। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो है लगातार जो बातचीत चल रही थी, चाहे वो बार एसोसिएशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो, सीसीआई एसोसिएशन हो, हर कोई जो है लोगों के हित में अपना बयान दे रहे थे कि जो है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर इतनी इस तरह से जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो ये लॉ आया है उसे इम्प्लीमेंट करने में अभी थोड़ा समय लगाएं, क्योंकि जिस तरह से हम देख सकते हैं कि अभी कुछ ही वक्त पहले कोरोना की मार से अभी लोग उभरे ही थे, ऊपर से ये टैक्स की मार एक बार फिर से आम जनता पर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी का भी पूरी तरह से इंतजाम रखा गया है कि कहीं कोई हालात या स्थिति कुछ जो है बिगड़े ना, उसको लेकर यहाँ पर सिक्योरिटी पूरी टाइट रखी गई है। सिर्फ गांधीनगर में ही नहीं, हर जगह जो है सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। इस समय आप देख सकते हैं गांधीनगर में भी जितने भी व्यापारी हैं सबने इस समय अपनी दुकानों को बंद कर दिया है और जो बंद कॉल का पूरी तरह से समर्थन किया है। अब सीसीआई के मेंबर्स यहां पर आए और उन्होंने जब देखा कि गांधीनगर में दुकानें खुली हुई हैं, आकर जो यहां के दुकानदार हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि आज जम्मू बंद है और जम्मू बंद की कॉल का समर्थन करें, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो उन्होंने आज जम्मू बंद किया है उसको लेकर समर्थन करें। तो गांधीनगर के जो व्यापारी हैं उन्होंने भी पूरी तरह से सीसीआई के मेंबर्स के साथ हाथ से हाथ मिलाया है और दुकानों को बंद कर दिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स जो कि पहली अप्रैल से लागू होने जा रहा है उसको लेकर हर चाहे ये विपक्ष पार्टी हो, चाहे चैम्बर्स हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, हर कोई इसका जो है हर कोई इसका विरोध कर रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स पहली तारीख को लागू होगा या नहीं, ये अब एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।